ये बता रहे थे कि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल एम एस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को चेंज करके फिर नहा धोकर निकलेंगे मेरे पास। तो वहाँ की वीडियो दिखाता तो आप लोग वीडियो में बन रहे हैं हम लोग के साथ। धनबाद की लोकेशन और रास्ते की वीडियो जितनी होंगी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊँगा, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लोकेशन है, और नेशनल हाईवे 2 जो हमारे गांव से आता है, हमारे घर से गुजर के निकलता है, घर से नहीं यार गांव से जो निकलता है, और वही रोड है। देखिए इधर पूरा बन चुका है, कितना अच्छा लोकेशन है देखिए, और इतना मजा लोकेशन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। ये रोड अभी बनी नहीं है हर जगह, और ये बगोदर है, बगोदर की जगह ही बनी है। देखिए इधर ये सिटी है, इधर बगोदर है, आगे भी आगे बगोदर है 2 किलोमीटर के आगे लेफ्ट। देखिए ये रास्ता दिख रहा है आप लोगों, ये बगोदर रहती है, और हम लोग सीधा जा रहे हैं धनबाद की ओर जा रहे हैं। देखिए गाड़ी कितना मस्त लोकेशन है। इस लोकेशन के बारे में आप लोग से बता रहे थे कि अच्छे से अच्छा लोकेशन देखूंगा, पूरा लाइटें उटे लगी हुई भी है। और अभी हम लोग का सफ़र कहाँ वो तो मालूम नहीं, जहाँ गाड़ी लेके जा रही है हम लोग चलते जा रहे हैं। और देखिए आप लोग को लोकेशन दिखा रहा हूँ एक से कैसा लोकेशन लगा आप लोग को जरूर बताइए। और आप लोग के गाँव की तरफ अगर कहीं शहर में अगर ऐसे लोकेशन गांव का नाम या शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे और बताए, जरूर बोल हाँ यहाँ ऐसा है। तो आप देखिए कितना मस्त लोकेशन है, देखिए और हाँ बोलो हाँ। तो हेलो एवरीवन, देखिए हावड़ा मुंबई में इधर धनबाद चले जाती है, और इधर कोलरमा होके जाती है, वो रेल के दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग इसी से आगे है और वहाँ के दिखा रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर आगे अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए और कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ, और इधर हाईवे है, और हाईवे से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा मुंबई हावड़ा में इधर से ही पार होता है। अभी हम लोग धनबाद के लिए निकल चुके हैं, तो चलिए अभी धनबाद में मिलते हैं आप लोग। कितना ऊंचा पहाड़ है और कितना बारिश का मौसम है, कितना खूबसूरती दिख रहा है, एकदम सेम लग रहा है कि एकदम ये परशनाथ पहाड़ है। पूरा एकदम ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एकदम, बगल बगल में गांव भी है, बगल बगल में गांव है, इधर भी देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा एकदम झारखंड ऐसा, झारखंड में ही मिल सकता है, और कहीं इंडिया में ऐसा इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ नहीं है। झारखंड में आप लोग कहीं बाहर से देख रहे हो तो देखना, कभी झारखंड में घूमने आओ तो इससे अच्छा अच्छा पहाड़, इससे बड़े बड़े पहाड़ भी। ये हम लोग ये मुहर्रम का जो सामान लेके जाते हैं हम लोग इधर से ही लेके जाते हैं। ये देखिए पूरा A to Z सामान रखा हुआ है यहाँ पे पूरा, और पूरा A to Z सामान भरा हुआ है। ये देख लीजिए आप लोग मुहर्रम को जो सामान लेके जाते हैं सब पूरा फुल भरा हुआ है, इधर से लेके जाते हैं। इधर रोड के साइड पे काफ़ी ज़्यादा एकदम दुकानें एकदम है, सब भरा हुआ है। इधर रास्ते में बारिश हो रही है और हम लोग रुके हुए हैं, बहुत कम से कम 80-90 किलोमीटर चल के आए, और बारिश होने लगे तो हम लोग भीग भी गए, भीग भी गए हैं। और मेरा हम लोग का गाड़ी यहाँ खड़ी है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, इतना ज़ोर से देख के पानी बह रही है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं अभी, और ये बारिश कम होगी उसके बाद फिर चलेंगे सफ़र में। हम लोगों को भूख लग चुकी है, तो हम लोग आए हैं अभी धनबाद, और धनबाद में नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे आगे का रास्ता। हमारे एक भाई भी आए, और देखिए मतलब अभी पराठा और मटर मंगाए खा के फिर निकलेंगे हम लोग। अभी देखाता हम लोग क्या 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 है, टमाटर कैसे आता है, सोनू
बाद सलाद में नींबू डालते हुए और नींबू सलाद इधर भी डाल रहे हैं और नींबू सलाद मिला अभी। फिर हमारा अभी ओवर आने में टाइम लगेगा, तब तक आप लोग देखते रहिए। लेकिन नमक है कि नहीं सोनू भाई? नमक है, नमक डाल रहा है, नमक डाल रहा है, नमक डाल। ये पराठा आ चुका है हम लोगों को, दो दो पराठा है और सब लोग के प्लेट में आ चुका है। मटन आना बाकी हम लोगों का, मटन आएगा उसके बाद हम लोग खाएं, फिर चालू करते हैं। देखिए हमारा मटन आ चुका है और चार चार थाली में सब में मटन आ चुका है। अब हम लोग खाने का चालू करते हैं और खा के बताते हैं कि कैसा है, और तब तक वीडियो में आप लोग बने रहिए। खा चुके हैं, खाना बहुत अच्छा था और मैं क्या बोलूँ, अपने मुँह से तारीफ करूँ। हमारे दोस्त लोग से आप लोग को पूछता हूँ और बता देता हूँ कि कैसा लगा, उनसे पूछते हैं आप लोग वीडियो में। ये खाना कैसा लगा? खाना बहुत लाजवाब था, बहुत अच्छा था, खाए बहुत मज़ा आया। इतना रेस्टोरेंट अपना रहता है, ये मेरा रेस्टोरेंट खाने में ऐसा लगा, लगता में जितने रेस्टोरेंट में सब खाया नहीं, तो खाना बहुत लाजवाब था। और बाकी हमारे भाई से भी पूछ लीजिए, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा था।